साले का लोगों में दबदबा चल रहा है यहाँ पे। गाइस करंट कंडीशन कुछ ऐसी है बॉडी की। तो गाइस अभी मैं पीने जा रहा हूँ क्रिएटिन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो क्योंकि भाई तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बिजी चला हुआ था, तो आज संडे है तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट किया जाए। तो चलो जो भी करूँगा आज डेली रूटीन में वो आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी कुछ प्लान तो नहीं करा है ब्लॉग के लिए स्पेशल, तो बट चलो जो भी आज मैं करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं गाइस जस्ट अभी उठा हूँ, तो अभी से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। मुँह भी नहीं धोया मैंने और ना ही अभी तक फ्रेश हुआ हूँ। मैंने सोचा कि भाइयों के लिए भी आज एक ब्लॉग लेके आए। सो गाइस ये हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये वाला रूम होगा कुछ मेरा ऐसा, और यहाँ से व्यू आप देखो कितना प्यारा दिख रहा है। तो मॉर्निंग कुछ ऐसी होगी मेरी प्यारी सी, और ये लुक एट दिस व्यू। मैंने आपको बोला था पिछले वाले ब्लॉग में मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, लुक एट दिस व्यू। अगर शानदार लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा आपको ये व्यू, और ये रूम के साथ बिल्कुल अटैच्ड व्यू है, तो ज़रूर बताना मुझे कितना प्यारा लगा। तो गाइस मेरे को घर से निकाल दिया है, मैं झोली बिस्तरा लेके चल पड़ा हूँ डंडा लेके, तो मणिमहेश यात्रा करेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाइयों, यहाँ पे हमने आग लगाई है, जो भी कूड़ा है घर का वो हम जला रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, तो देख ही सकते हैं आप साफ सफाइयाँ हो रही है। और बाकी ये हमारा पुराना घर है भाई, तो इधर भी हम अभी भी रहते हैं, और बाकी चलो ये वाला घर भी दिखाएंगे आपको इन फ्यूचर, और बाकी तो हम इस वाले घर पे रह रही हैं वो आपको बताइए। अच्छा सुबह जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने, तो मैंने सोचा कि नहाता बाद में हूँ सारा काम कर लेता हूँ, क्योंकि आज मम्मा घर पे है तो बहुत सारे काम दिखा रहे हैं और भाई करने भी पड़ रहे हैं, और क्योंकि आपको पता ही है संडे है तो मम्मा को छुट्टी होती है ड्यूटी से, तो काम करवा रहे हैं। तो अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं घर, काम ख़त्म करते हैं जो मम्मा बताएंगे, उसके बाद फिर आराम से नहाएंगे पूरी फुल वॉश करके। तो गाइस कोल्ड ड्रिंक ले लिया है और मार्शल भी साथ आया है। साले का दबदबा चल रहा है यहाँ पे, लोग डर रहे हैं क्योंकि सो गाइस बात कुछ ऐसी है कि अभी हम फ्रेश नहीं हुए हैं, क्योंकि बाल कटवाते हैं उसके बाद ही फ्रेश होते हैं एकदम से, क्योंकि बाल बड़े ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो चलते हैं बाल कटवाने, तो मिलते हैं आपको सीधा सलून में। सो गाइस बारिश का भी मौसम होने वाला है, और इस साइड भी बादल आ रहे हैं, ये तो बीच में खाली है, और इधर भी बारिश, इधर भी बादल आने वाले हैं, तो बारिश होने वाली है भाई ज़बरदस्त। और ब्रूनी देखो, ब्रूनी हस्बैंड और वाइफ मिल चुके हैं देखो। सो गाइस निकल चुके हैं मुंडन करवाने, तो चलो चलते हैं। बिल्कुल ही नहीं, मतलब थोड़े थोड़े से मुंडन तो जानबूझ से बोल रहा हूँ भाई, आप सोच भी नहीं सकते मैंने सुबह से मुंह तक भी नहीं धोया है, सीधे उठाऊँ और दो बज चुके हैं, अभी तक फ्रेश ही नहीं हुए हम, तो चलो चलते हैं सीधा। गाइस ये रहा सलून, तो बाल कटवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। ये है गाइस सलून सामने, कट एंड केयर, तो यहाँ पे ही कटवाता हूँ मैं हर बार, तो इस बार भी कटवाते हैं। तो गाइस जिससे मैं बाल कटवाता हूँ उनका वेट कर रहे हैं, तो लंच हुआ था वो अभी लंच कर रहे हैं, तो करते हैं 5-10 मिनट वेट, तो आ जाएंगे लंच करके उसके बाद करवाते हैं बाल। तो गाइस ये सलून कुछ ऐसा, इस कटिंग डन हो चुकी है, तो मैंने बोला था कि बारिश हो जाएगी, तो बारिश हो चुकी है आप देख ही रहे होंगे सामने, तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा घर जाके। सो गाइस घर आके मम्मी ने फिर काम करने लगा दिया है हमें, और सामने बारिश हो रही है देखो आप। और सो गाइस ये वाला घर तो आपने देख ही लिया पिछले ब्लॉग में, तो चलो नहाते हैं अब। गाइस करंट कंडीशन कुछ ऐसी है बॉडी की, और एब्स भी आने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं बट चलो आ ही जाएंगे। और 2 लाख का सोला, पता नहीं कैसा गाना है, 16 का डोला सॉरी। और बाकी भाई ट्राई बिल्कुल कम है, बाइसेप्स फिर भी ठीक है, बट चलो एब्स आएंगे, कटिंग आएगी तो सब कुछ दिखेगा। तो बाकी कुछ करंट कंडीशन कुछ ऐसी है अभी, और भाई फैट भी है यहाँ पे थोड़ी बहुत, इसको भी भाई रिमूव करेंगे बिल्कुल जल्दी। सो गाइस अभी मैं पीने जा रहा हूँ क्रिएटिन। सो गाइस अभी मैं पीने जा रहा हूँ क्रिएटिन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इसने हेल्प करी है बॉडी ग्रो करने में, और भाई रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और ये कोच फॉर्मूला का है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है, ये मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, तो
क्योंकि भाई अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी ट्राई करें। तो इसको पीते हैं पानी में और एक स्कूप, तो भाई एक एक दिन में एक स्कूप बड़ा होता है बिगनर्स के लिए, तो चलो पीते हैं। सो गाइस एक स्कूप ले लेना है पानी के साथ। तो करते हैं अपने डब्बे को बंद और पानी लेते हैं यहाँ से, चलो हट साइड हो। सो गाइस अपना क्रिएटिन शेक तैयार हो चुका है, और भाई जो यहाँ पे हमने पाउडर डाला है क्रिएटिन का, तो इसको भाई चम्मच से पूरा घोल लें, और घोलते टाइम लगता है भाई, प्रोटीन शेक की तरह नहीं घुल जाता। इसमें पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस इसको घोल लें आराम से और पी जाएं। और भाई हाँ एक बात सुन लो, अगर आप ये ले रहे हो क्रिएटिन प्रोटीन के साथ, या तो ऐसे ले रहे हो, मैं तो भाई ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोटीन नहीं है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप प्रोटीन के साथ ये ले रहे हो या ऐसे ले रहे हो, तो दिन में भाई 4 से 5 लीटर आपको पानी पीने पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट मुझे भी बताया था किसी ने, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बस ऐसा करें। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ऊपर वाले होल पे, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। तैयार भी हो गया तुम्हारा भाई पूरा फुल ऑन, तो ठीक है गाइस करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। टिल देन बाय।